आरा सारा में इतना पैसा फंसा है तो कौन उम्मत है सारा में आपका ही पैसा फंसा है ज्यादा बताएंगे अभी अटैच हो जाएगा तुम तो छोड़ जाते हो भाग। अंकल जी आपका नाम क्या है? भारत प्रसाद। आप क्या काम करते हैं? बस यही हेलमेट बेच रहे हो, क्या कर रहे हैं? वो तो आपके सामने ही है। लेकिन अंकल जी आपने बहुत सारे काम करे हैं, हमें मालूम चला है। तो अंकल जी आप अपने बारे में बताएंगे, अपने जिंदगी की दास्तान के बारे में? दास्तान क्या है यार, बताएं यार, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। अरे बताइए थोड़ा सा। ये सब दास्तान नहीं है, और उलझने बढ़ जाएंगी। काहे के लिए? पैसा बहुत कमाया, अगर हमसे कुछ भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अब अगर हम यही सब सोचते हैं तो अभी हमको अटैक हो जाएगा। अटैक हो जाएगा तो इससे बढ़िया तो पूछो ही नहीं। और क्या? लेकिन अंकल जी मन की भराहट निकालने से कम होती है? नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होती और बढ़ जाएगी। तो नहीं बताएंगे अंकल जी? यार अब इसकी दास्तान न पूछो भैया, थोड़ा बहुत बता दीजिए यार। फिर तुम दे दोगे हमें क्या? ले लीजिए, क्या दे रहे हैं? अरे इतना कहाँ तुमने, अब जब बुढ़े हो जाओगे तो इतना नहीं दे पाओगे। हाँ ये बात सही है, जितना कमाए बैठे हैं। लेकिन अंकल जी आपने जो एक्सपीरियंस कमाया ना, वो हम बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। अरे थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। अरे आरा सारा में इतना पैसा फंसा है तो कौन उम्मत है? सारा में आपका ही पैसा फंसा है? अरे बाप रे बाप, सारा में पूरे इंडिया का पैसा फंसा है। क्या करोगे अब तुम? पहले दास्तान बताओ, दास्तान बताओ। बता दिया अंकल जी। अरे अरे आपने काम कौन सी उम्र चालू करा रहा? ये 18 से। 18 से क्या मजबूरी आ गई थी? अरे मजबूरी आ सबके आगे है, अब तुम्हारे आगे भी तो है जो घूम रहे हो गली गली, तुम्हारे आगे भी है। सही बात है, किसके आगे नहीं। तो आपने पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी? पढ़ाई लिखाई सब माँ बाप गरीब थे यार, काम। पापा क्या करते थे आपके? पापा इधर मजदूरी करते। मजदूरी करते? तो पढ़ाई कितनी करी थी आपने फिर भी? हाई स्कूल। हाई स्कूल तक। फिर आपने पहला काम क्या करा था? अरे ऑटोमेटिक मशीन चलाई थी। क्या ऑटोमेटिक मशीन? ATM? पैसा बर्बाद। अरे ये जो बैग वैग वाली। अच्छा अच्छा, बैग वाली। फिर उसके बाद क्या काम करे थे? अरे फिर यार तुम तो यार फिर पुदीना। अरे 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 आपने क्यों छोड़ा ये बता दीजिए? अब छोड़ा का जब काम ही नहीं है तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करा? अब हेलमेट बेच रहे, जब कौन लेने आवे तो बिक्री है ना, तो सारा बैठे। अब तुम वो दास्तान पूछ रहे हो। तो हेलमेट लेने डेली कितने कस्टमर आते हैं? एको नहीं आ पाता है तो मेरे को नहीं आ रहा यार, का किसी को हम बुला ले जाके यार, क्या करे भैया को बोनी करा। बोनी करा तो भाई बोनी करा दे अंकल जी, ना होता हम ले लेते पक्का। तुम्हारी पीछे हट रहे तो फिर क्या करिए, तुम दास्तान जिंदगी के लिए नहीं आया यार। अरे अंकल जी थोड़ा बता दीजिए। अरे यार आप चुप रहो यार, अब बस हम जो कुछ बताना चाहो तुम तो बता दिए। चलो ठीक है, बहुत दुखी है अंकल जी, क्या करिए यार, ज्यादा बताएंगे अभी अटैच हो जाएगा, तुम तो छोड़ जाते हो भाग। अरे नहीं अंकल जी, यहाँ पड़े रहेंगे। नर्सिंग होम तो ले कम जाएगा, पैसा कम लगाएगा। अंकल जी के दास्तान बहुत गंभीर है भैया, सुनने वाले भी हार्ट अटैक आ जाएगा।